हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आर्केलोंग इलेक्ट्रॉनिक की फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा कि डोरबेल के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हो आप, वो भी बहुत आसान तरीके से सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि हमारे घर पर एक तो बेल होती है, ठीक है, तो मैंने ये जैसे कि बेल बनाया है। ठीक है, तो बेल में हमें जो है, जब हम नई बेल लाते हैं तो उसमें हमें दो वायर मिलते हैं, एक हमें न्यूट्रल मिलता है, ठीक है गाइस, एक ब्लैक कलर का होगा, और दूसरा हमें जो है फेस मिलेगा जो हमारा रेड कलर का होगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी बेल। ठीक है गाइस, तो दूसरा हमारे पास स्विच होगा जो कि हमारे डोर के पास लगता है स्विच। तो स्विच मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास जो है स्विच है। ठीक है गाइस, ये हो गया स्विच, बेल स्विच। तो ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास स्विच है, तो इसमें हमें 2 टर्मिनल्स मिलते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा स्विच बेल का और ये होगी बेल। तो अब हमें इसको कनेक्ट करना है बहुत आसान तरीके से। देखो, जैसे कि हमारे पास में एक फेस होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में न्यूट्रल होगा। ओके गाइस, तो हमने क्या करना है, जो इसका न्यूट्रल होगा हमने यहाँ से न्यूट्रल को उठाना है और डायरेक्ट अपना न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ देना है। तो ये एक फेस आ गया, इसको न्यूट्रल आ गया, और अब इसको सिर्फ फेस चाहिए। तो फेस हमें क्या करना है कि यहाँ से फेस को उठाना है और स्विच के नीचे जोड़ देना है, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा फेस का वो हमें यहाँ पर ला के अपने इसमें जोड़ देना। अब क्या होगा कि हमारा जो है कनेक्शन कम्प्लीट हो गया, क्योंकि इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया, वही जैसे बाकी बल्ब वगैरह को हर चीज़ को मिलता है। और यहाँ से जब ऑन करेंगे तो फेस जाएगा और ये बेल जो है काम करेगी। तो ये इस तरीके से आप बेल के कनेक्शन कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।